हाई एवरी वन, वेलकम टू ज्ञानम। IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 1828 1828 वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं एंड इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आज से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स देखेंगे कि कौन कौन सी ऑफिसर्स की पोस्ट आई हैं और फीस क्या रहेगी, प्री का एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा पोस्ट, और जो हमारा मेन है उसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पोस्ट हैं दोज आर ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, ये पोस्ट हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो हैं। एंड देन जो प्रिलिम की डेट, अच्छा जो फिल होने की डेट है एप्लीकेशन की, दैट इज 3rd November, यानी आज से जो है वो एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो जाएगी टिल 23rd November, 23 नवंबर तक। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो आपका 26 दिसंबर को हो जाएगा एंड मेंस एग्जाम जो है वो आपका 30 जनवरी को जो है वो मेंस का एग्जाम हो जाएगा। राइट, ओके। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें IT ऑफिसर के लिए, यू नीड ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, NIT एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से किसी एक में हो। राइट, एंड देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए यू नीड 4 year डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। एंड राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। देन लॉ ऑफिसर के लिए LLB, HR के लिए 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लाइक MBA, एंड देन मार्केटिंग के लिए भी MBA, 2 years फुल टाइम डिग्री। राइट, ऑलराइट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का अगर हम सिलेबस देखें तो लॉ ऑफिसर और राजभाषा के लिए अलग रहता है, बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए सिलेबस डिफरेंट रहता है। राइट, सो लॉ ऑफिसर और राजभाषा के लिए जो हमारा सिलेबस है दैट इज दैट कंटेन्स इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एंड देन वी हैव दिस IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर, इसमें हमें चाहिए इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। ये प्रिलिमिनरी का सिलेबस है हमारा। राइट, देन मेंस एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल नॉलेज आती है, 60 questions of 60 marks इन एग्रीकल्चर, IT, लॉ, HR, एंड पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी के लिए आपको 60 marks का पूछा जाता है, जिसमें से 45 marks जो है, मतलब 45 questions जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 questions जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। ऑलराइट, ठीक है। अगर हम फीस की बात करें सो 175 फॉर SC, ST एंड PWD एंड देन 850 फॉर रेस्ट, बाकी सबके लिए 850 फीस रहेगी। That is it. If you have any inquiry about this, you can call us on these numbers 9117343434 and 9646888377. आप हमें कॉल कर सकते हैं। IT ऑफिसर के लिए हमने बैच लॉन्च किया है, HR पर्सनल के लिए भी जो है वो हम हमारे पास स्टडी मटेरियल है, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। राइट, थैंक यू सो मच।